आइए एक बार फिर ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स सीखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके किस तरीके से हम ये प्रूव दैट वाली प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। लास्टली हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी आपके साथ, एक और प्रॉब्लम या कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं विद द लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास है sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस वन अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन। ठीक है, डरना नहीं, घबराना नहीं है, बहुत आसान प्रॉब्लम है ये। हमने क्या किया, sec थीटा प्लस tan थीटा को अलग कर लिया, और ये जो वन है ना, इस वन की जगह मैंने sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, राइट। और ये जो नीचे मेरे पास tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन है, इसे कुछ नहीं कहना अभी, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन, इसे एज इट इज। अब इससे देखिए क्या बेनिफिट हुआ मुझे, ये sec थीटा प्लस tan थीटा ऑलरेडी था, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा में ब्रेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं, पहले लिख के दिखाते हैं आपको। sec थीटा प्लस tan थीटा, ये माइनस, इसके दो ब्रैकेट्स मेरे पास बन गए, एक बन गया sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा। डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन। अब ये देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन निकल जाएगा इन दोनों में से, बीच में माइनस का साइन है, तो आपने sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले लिया, ये अंदर रह गया वन माइनस, ये माइनस साइन है, ये वाला ब्रैकेट हमने बाहर निकाल ही लिया है। इस माइनस साइन से इसके साइन चेंज कीजिए, माइनस sec थीटा और प्लस का हो जाएगा tan थीटा, और अपॉन वाली जो चीज है वो ऐसे की ऐसे, वो क्या है tan थीटा माइनस का sec थीटा और प्लस का वन, सेम थिंग है जी, कैंसिल हो गया इससे, क्या बच गया sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा। क्या इतना ही आना था, आपने देखा नहीं जी, इतना तो नहीं आना था, अभी और भी कुछ बाकी, कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। sec थीटा प्लस tan थीटा था मेरे पास, sec थीटा को वन अपॉन cos थीटा कर देते हैं और tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा कर देते हैं। फॉर्मूले याद है जी आपको, बस अब एलसीएम ले लो, cos थीटा एलसीएम आ जाएगा और आपके पास 1 प्लस sin थीटा राइट हैंड साइड आ जाएगा। आसान, आसानी के साथ हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और देखा था आपने यहां इस 1 को चेंज किया हमने, तो इस टाइप की कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, cosec और cot की टर्म में भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम मिले आपको, तो आपने इस वन को चेंज करना होता है। अगर आप इसको कुछ और तरीके से भी करते हो तो जाता, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता, तो आप इस प्रॉब्लम को कुछ इसी टाइप से कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, करेक्ट। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं जी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे सामने, बड़े ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, बाद में बात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड
tan theta, 1 minus cot theta, plus cot theta, 1 minus tan theta. अब अगर मैं राइट हैंड साइड को देखूं तो आप देख रहे हैं जो भी आंसर है वो टेन और कोट की टर्म में ही है, साइन कोस नहीं है जी। तो आप यही कोशिश कीजिए किस में एक ही जैसी चीज बनाने की कोशिश करें। चलिए हम ऐसा कोशिश करते हैं कि इसमें टेन थीटा बना लेते हैं। इस टेन थीटा को मैंने कुछ नहीं कहा, वन माइनस ये कोट थीटा को जो कि टेन का उल्टा होता है, वन अपॉन टेन थीटा लिख देते हैं इसको, प्लस ये कोट थीटा, वन अपॉन टेन थीटा लिख देते हैं इसको, एंड अपॉन वन माइनस टेन थीटा। इज इट फाइन? ऐसा है। अब क्या करें, सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा। टेन थीटा, ये ऊपर वाला टेन थीटा एज इट इज, इसके अपॉन में वन करके इसके एलसीएम ले लीजिए, ये टेन थीटा, और ये बन गया मेरे पास टेन थीटा माइनस वन, प्लस वन अपॉन टेन थीटा, ये लीजिए वन अपॉन टेन थीटा, ऐसे लिख दिया मैंने, और साथ में ये अपॉन में वन माइनस टेन थीटा भी है मेरे, ठीक है, ये आ गया जी आपके पास। अब ये टेन ऊपर चला जाएगा, टेन स्क्वायर बन जाएगा, तो आपके पास आ गया टेन स्क्वायर थीटा ऊपर, और नीचे ये टेन थीटा माइनस वन, करेक्ट, और प्लस वन अपॉन टेन थीटा। अब इसे देखें बड़े ध्यान से, तो वन अपॉन वन माइनस टेन थीटा, और इधर तो टेन थीटा माइनस वन है। अगर मैं इसको टेन थीटा माइनस वन ही कर लूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है? आप बोलेंगे साइन चेंज कर दिया जी आपने, तो साइन चेंज अगर कर दिया तो यहां माइनस लगा लो जी, और वो ये माइनस यहां आ जाएगा जी। उससे बेनिफिट क्या होगा कि ये टेन थीटा माइनस वन यहां से कॉमन निकल आएगा। लो जी बाहर निकाल लो, आपने टेन थीटा माइनस वन को आउटसाइड ले लिया, अंदर क्या रह गया, अंदर आपके पास रह गया टेन स्क्वायर थीटा ये वाला, और माइनस का ये साइन, प्लस ये माइनस हो गया, और अपॉन में ये टेन थीटा। ठीक, करेक्ट, ये आ गया मेरे पास वन अपॉन टेन थीटा माइनस वन। आप इसका एलसीएम लीजिए, टेन थीटा, ये टेन क्यूब बन जाएगा, टेन क्यूब थीटा माइनस, तो आप यहां वन का भी क्यूब कर लीजिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप यहां पर। तो देखिए जी क्या है, वन अपॉन टेन थीटा माइनस वन, अंदर अगर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो टेन थीटा माइनस वन, फिर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस वन, और अपॉन में क्या था उसके, टेन थीटा था। अब ये कैंसिलेशन इसके साथ, अब आसान हो गया जी। अब देखिए टेन सबके अपॉन में, टेन स्क्वायर के अपॉन में टेन थीटा अलग कीजिए, टेन थीटा के अपॉन में टेन थीटा अलग कीजिए, वन के अपॉन में कीजिए, क्योंकि टेन थीटा सबके अपॉन में है। टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस वन
अपॉन टेन थीटा, एक बार कैंसिल, क्या बचा टेन थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल वन, और वन अपॉन टेन थीटा दैट इज कोट थीटा। यही चाहिए था जी मुझे, यही प्रूव करके दिखाना था मुझे, वन प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। देखिए आप, वन प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, राइट हैंड साइड आ गई। थोड़ा सा टिपिकल था, थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे आप आसानी के साथ आएगा जी। इस टाइप की प्रॉब्लम मेरे पास साइन थीटा कोस थीटा की टर्म में भी शायद होंगी, कहीं पर मिलेंगी आपको, तो उसे भी आप बिल्कुल इसी तरीके से कीजिए, घबराना नहीं है, आसानी के साथ हम लोग कर लेते हैं। क्यूब बन जाता है, क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है जी आपके पास, राइट। आइए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिखता है मुझे, इस क्वेश्चन में मगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बड़े ध्यान से अगर देखूं तो मुझे कुछ गड़बड़ सी नजर आ रही है। चलिए पहले हम उस गड़बड़ को दूर करते हैं। ये देखिए कोसेक कोट, ये कोसेक कोट, इनको एक ही जगह, एक ही फैमिली को एक जगह रखो ना। तो मैंने पहले थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट किया, कोसेक माइनस कोट है ये इधर था, उधर से भी उठा के ले आइए, प्लस हो जाएगा वो वन अपॉन कोसेक प्लस कोट है, और ये वन अपॉन साइन है, एक बार और उधर ले जाइए तो टू अपॉन साइन के इक्वल आ गया। तो अब मैंने इसको अच्छा बना लिया, अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी चाहिए जी, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड जब आप लेंगे तो वन अपॉन कोसेक माइनस कोटे, वन अपॉन कोसेक प्लस कोटे, बहुत ज्यादा विचार किए बिना सीधा एलसीएम लीजिए जिसका, कोसेक माइनस कोटे एंड कोसेक प्लस कोटे, कोसेक माइनस कोटे एंड कोसेक प्लस कोटे। तो यहां आ गया मेरे पास कोसेक ए प्लस कोटे प्लस कोसेक ए माइनस कोटे, ये कैंसिल हो गया। कोसेक ए कितनी बार हो गया, दो बार हो गया, तो कोसेक ए प्लस कोसेक ए टू टाइम्स कोसेक ए, नीचे कोसेक ए माइनस कोटे कोसेक ए प्लस कोटे विच इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर, ये नीचे वाली चीज तो अगर आपको याद हो तो ये तो वन के इक्वल होता था। तो क्या आ गया आपके पास, टू कोसेक और नीचे क्या बन गया, दैट इज वन। फॉर्मूले बार बार देखने हैं मुझे, और जब प्रॉब्लम मैं करता हूं तो सामने फॉर्मूला लिखना भी होता है जी मुझे, कि मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया। तो यहां पर अगर मैं मेंशन करूं तो मैं मेंशन कर सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, तो ये वन हो गया। अब क्या बचा, टू, दिस इज कोसेक विच इज वन अपॉन साइन है, तो लो जी टू अपॉन साइन है के इक्वल आ गया आपके पास, विच इज द राइट हैंड साइड, आसान। तो इस तरीके से रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं आप, जो प्रूव करने को दिया गया था उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट बनाइए, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जैसा भी आपको अच्छा लग रहा हो या जैसा भी आपको आसान लग रहा हो उससे आप इसको सॉल्व करके दिखाइए, फाइन करेक्ट। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये रूट वाला प्रॉब्लम है। अब ये रूट में वन माइनस कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा रूट में, ऐसे साइन में भी आता है जी, ठीक है ना। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करने का बार बार एक जैसा ही तरीका होता है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है मुझे इसका प्रूफ, स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड विच इज वन माइनस कोसे
अपॉन 1 प्लस कोस, ठीक है। अब इसमें मुझे रेशनलाइज करना होता है, किसी वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, तो नीचे वाले के अपोजिट यानी 1 माइनस कोसे से यहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हमको कर लेना है। लेकिन इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि एकदम से बिना सोचे विचारे करें आप। तो 1 प्लस कोसे, 1 माइनस कोसे से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये जी ये जो लिखा। अब उससे क्या बेनिफिट हुआ, उससे रूट का कैंसिलेशन भी होगा, 1 माइनस कोस ए होल स्क्वायर, अंडर रूट है यहां पर, नीचे भी अंडर रूट अलग कर दिया मैंने, 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, ये बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ऊपर तो देख रहे हैं स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 1 माइनस कोस ए मेरे पास बच गया, नीचे अभी अंडर रूट कैंसिल नहीं हुआ जी। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला मुझे मालूम है जी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मुझे मालूम है कि वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को आप साइन स्क्वायर ए कर सकते हैं। अब यहां स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर दो, ऊपर से रूट पहले से ही कैंसिल हो चुका है, 1 माइनस कोस ए और अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो ये साइन है, आसान। अब सेपरेट सेपरेट कर लीजिए, 1 के अपॉन में साइन है, माइनस कोस के अपॉन में साइन है, तो 1 अपॉन साइन है जिसे हम कोसे के बोलते हैं, और कोसे अपॉन साइन है दैट इज कोट ए, यही तो चाहिए था जी मुझे, ये रहा आ गया जी मेरे पास राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आपको रेशनलाइज करना, मल्टीप्लाई करना इस तरह की रूट वाली प्रॉब्लम में, तो कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा जी, ठीक है। और आगे देखते हैं जी, और भी प्रॉब्लम है अभी हमारे पास। यहां देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे सामने आया, देखते हैं जी इस क्वेश्चन को। इसमें बोला गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज रूट टू कोस थीटा, इसका यूज करो और देन प्रूव दैट कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको, आइए जी इसके प्रूफ पर। हमको गिवन है कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कोस थीटा, स्क्वायरिंग कर लेता हूं जी, कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू रूट टू कोस थीटा, ठीक। और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है जिसका भी, खोल सकते हैं दोनों को, कितना आया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कोस थीटा साइन थीटा इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो टू कोस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। चलिए यहां हम क्या करते हैं, टू कोस थीटा साइन थीटा, ये जो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसे उठा के उधर ले जाते हैं, तो मेरे पास आ गया टू कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी मेरे पास आ गया टू कोस थीटा साइन थीटा। अब इस टू कोस स्क्वायर में से कोस स्क्वायर माइनस हो गया, तो आपके पास बचा कोस स्क्वायर थीटा,
दो बार कोस स्क्वायर में से एक बार कोस स्क्वायर माइनस हो गया, एक बार कोस स्क्वायर प्लस का बच गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये एक्सप्रेशन आ गया जी। अब मुझे सोचना है कि क्या करूं। ऐसा करें कि टू कोस थीटा साइन थीटा को तो एज इट इज रहने दें, राइट हैंड साइड को एक बार प्लस है एक बार माइनस के फॉर्म में लिखते हैं, एक बार कोस थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो काम थोड़ा करना होता है उसमें सोचना भी होता है कि मुझे, मैं ऐसा कर रहा हूं तो इसका क्या बेनिफिट होगा, मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए किया कि मेरे पास एक जगह तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा जिसका रिजल्ट मेरे पास है, डायरेक्ट उठा करके यहां रख लेंगे, और एक जगह मेरे पास आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा जिसका रिजल्ट मुझे चाहिए। ठीक है, ये रिजल्ट मुझे चाहिए, ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन है जी, उठाइए इसको पुट कीजिए। तो देखिए टू कोस थीटा साइन थीटा ये एज इट इज, इस कोस थीटा प्लस साइन थीटा की ये वैल्यू मुझे गिवन है जी, कोस थीटा प्लस साइन थीटा की जगह मैं रूट टू कोस थीटा पुट कर देता हूं, दिस इज रूट टू कोस थीटा, और कोस थीटा सॉरी कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा के रिजल्ट चाहिए मुझे। तो ये वाली जो चीज मेरे पास है इसको इसके अपॉन में ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में। चलिए देखते हैं कैसे। तो राइट हैंड साइड तो मेरे पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा, टू कोस थीटा साइन थीटा और अपॉन में ये वाला रूट टू कोस थीटा इसके अपॉन में आ गया। ठीक है, रूट टू कोस थीटा हो गया कैंसिल, ये कोस थीटा रूट टू से टू कैंसिल होगा रूट टू बन जाएगा जी, तो आपके पास आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये जो टू था इसके मैंने दो टुकड़े किए, रूट टू साइन थीटा अपॉन में भी रूट टू, ये कैंसिल होगा जी, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा रूट टू साइन थीटा के इक्वल आ गया जी, हो गया जी प्रूफ। आसान तो बड़ी आसानी से हम करते जा रहे हैं, प्रैक्टिस की जरूरत है बस मुझे। और आगे ये भी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है, ये सिंपल ब्रेकिंग करना है, ओपन करना है इन स्क्वायर्स को और आसानी से मेरे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। देखते हैं जी कैसे आती। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिया, होल स्क्वायर खोली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टू टाइम्स साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो ये तो होल स्क्वायर खोल लिया जी, प्लस कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और टू टाइम्स कोस थीटा इंटू सेक थीटा। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट बनाइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपको मालूम है वन होता है, इनको एक जगह रखता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इन दोनों को मैंने एक जगह कर दिया। लेकिन आप देखें जो आपके पास प्रूफ आ रहा है उसमें कोसेक और सेक नहीं है जी, कहीं टेन और कोट है, तो इस बात को सोच करके मैंने इस कोसेक स्क्वायर थीटा को, फॉर्मूला जिसका मुझे याद है, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये दो चीजें रह गई जी अभी। चलिए ये रहा जी टू साइन थीटा, यहां था मेरे पास कोसेक थीटा, कोसेक तो साइन का उल्टा होता है, जिसे वन अपॉन साइन थीटा लिखा और इसे कैंसिल कर दिया, प्लस टू कोस थीटा, सेक थीटा वन अपॉन कोस थीटा होता है,
और इससे कैंसिल कर दी। आइए जी अब काउंटिंग करो जी, 2, 4, 5, 6 और एक 1 ये भी बन जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 अगेन कोट स्क्वायर अगेन 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस 2 तो कितना हो गया 4, 5, 6, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आगे मेरे पास राइट हैंड साइड, बहुत अच्छा, कुछ नहीं है, सिंपल अलजेब्रा लगाया मैंने, थोड़े से फॉर्मूले अप्लाई किए और आसानी के साथ मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको, आप भी कर सकते हैं ऐसा। आगे एक क्वेश्चन और, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब इसमें क्या गिवन है, टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी, अभी तक जो मैंने प्रॉब्लम किए उनमें मेरे पास केवल एक ही थीटा होता था, या तो ए होता था या बी होता था, या थीटा होता था फाई होता था, लेकिन यहां ए और बी दो अलग अलग एंगल हो गए, थोड़ा ध्यान रखना है इन अलग अलग एंगल्स को। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने कंसीडर किया, ठीक है। तो आइए टेन स्क्वायर ए को साइन को कोस की टर्म में ब्रेक कर लेते हैं, तो टेन स्क्वायर को लिखते हैं आप साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन में कोस स्क्वायर बी। अब आप देखें जो आपने प्रूव करना है उसमें कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी तो नीचे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एलसीएम लिया गया होगा किसी तरह से। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, यहां मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, उसके साथ मुझे मल्टीप्लाई कर देना है कोस स्क्वायर बी का, माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब रिजल्ट को एक बार देखिए, ऊपर नीचे वाला तो आ गया, ऊपर वाले रिजल्ट को भी देखिए। अब ऊपर वाले रिजल्ट में आपको दिख रहा है कि कोस स्क्वायर ही है, इसका मतलब मेरे पास जो ये साइन स्क्वायर आ रहे हैं ना ये मुझे खत्म करने पड़ेंगे। चलिए इनको खत्म करते हैं जी, इस साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो मैंने साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर ए करा और इस कोस स्क्वायर बी को नहीं छेड़ा जी, एज इट इज छोड़ा। दूसरी तरफ मैंने उस कोस स्क्वायर ए को नहीं छेड़ा, इस साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कोस स्क्वायर बी किया जी और अपॉन वाली चीज को तो हमको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी। आइए हम मल्टीपल करते हैं, कोस स्क्वायर बी का अंदर वन से करो, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी देन माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी और अपॉन में क्या है, अपॉन में आपके पास कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, ये शायद ये कोस स्क्वायर ये कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए भी आएगा, राइट। अब ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, शायद वही आ गया जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास आ गई कोस स्क्वायर बी माइनस
कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी विच इज द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके कुछ आइडेंटिटीज को प्रूव करके दिखाया। दो अलग अलग वीडियोस हमने यहां पर लॉन्च किए, जारी किए, तो उन दोनों को देख करके मुझे लगता है आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रूफ करने में। राइट, थैंक यू।